ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हेडिंग रहेगा, इसके अंदर हम पढ़ाएंगे आज, पहले हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म। पार्ट थर्ड, इसके अंदर आप मेरे से जितनी भी तरह के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो आप मेरे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करने वाले कि हमारे पास कौन कौन सी आएगी। सबसे पहले मैं जो कराने वाला हूं आपको वो है SN1 रिएक्शंस। इसका पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक, लिखते जाए न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है हमारे लिए SN1। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले समझ लीजिए। SN1, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और फर्स्ट का मतलब, वन का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर। तो ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट आ गया जो आपको लिखना है। तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता क्या है, बाकी बातें हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे, ध्यान से समझना। जनरल वे में हम जनरली जो हम लिखते हैं जनरल रिएक्शंस, आपको क्या दिखने को मिलेगा कि आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है जिसमें एल्काइल हैलाइड यानी एल यहां पर लिविंग ग्रुप है कुछ, और न्यूक्लियोफाइल आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल पहले R प्लस अलग हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अभी आया नहीं है, उससे पहले ये अलग हो चुका है। नेक्स्ट R प्लस बनने के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अपना काम करेगा, नेगेटिव चार्ज R X अपने आप में इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो ये आपने एक जनरल रिएक्शन देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो इस रिएक्शन में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पहली चीज कार्बोकेटायन बनता है, दूसरा चीज कि ये एक से ज्यादा स्टेप में होती है, थर्ड पॉइंट यानी कार्बोकेटायन बनता है तो न्यूक्लियोफाइल का शुरुआत में कोई काम ही नहीं है, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आ गया। और कार्बोकेटायन बनना ही अपने आप में स्लो पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट ही स्लो रिएक्शन होगी, ये हमारे पास है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको एक एक करके हम लिखेंगे, लिखते जाएं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, अबव रिएक्शंस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शंस। मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या है आप जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है, स्टेप वन स्टेप टू, तो एक से ज्यादा स्टेप में होना मल्टी स्टेप रिएक्शन को बताता है, पक्का। तो ये एक से ज्यादा स्टेप में हुई है देखने को मिलता है। और दूसरा पॉइंट, कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपके पास हो रहा है, कार्बोकेटायन किस स्टेप में बन रहा है, फर्स्ट स्टेप यानी कि आप क्या बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन।
इज स्लोएस्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप ही स्लोएस्ट स्टेप है आपके पास। इससे क्या पता चलता है, यानी फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यही हमारे लिए आरडीएस स्टेप कहलाएगी, आरडीएस। अगर फर्स्ट स्टेप ही हमारे लिए आरडीएस आएगी तो हमारे पास एक और पॉइंट आएगा जो हमें यहां पर समझना है, और वो हमारे लिए क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा, यानी हमारे लिए जो रेट होगी वो होगी आर फर्स्ट स्टेप में के रेट कांस्टेंट, और आर एल, या मैं इसको बोल सकता हूं आर रेट, यहां के कांस्टेंट है और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सब्सटेंस। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया कि आर यहां पर रेट है, वो सिर्फ सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, न कि न्यूक्लियोफाइल के पे भी डिपेंड करती है। यानी इनडायरेक्टली अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास फिफ्थ नंबर का, सिक्स। यानी अगला स्टेप यही होगा, रेट इंडिपेंडेंट, द कंसंट्रेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन आप ज्यादा भी बढ़ा दें या कम भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सब्सटेंस की रेट चेंज, कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट चेंज होगी। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे लिए आरडीएस कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगी, यानी रेट कहीं ना कहीं हमारे लिए रेट प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो रेट इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है। और एट पॉइंट, हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई प्लस आर प्लस एम से बढ़ती है, तो जो भी आप कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यानी हमारे लिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 देने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट डिपेंड करता है नाइन्थ, यानी कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रेट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? नेक्स्ट पॉइंट, क्या हमारे पास लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है? हाँ, लिविंग ग्रुप जितना इजीली लीव कर जाए उतना ही आपके लिए रेट फास्ट होगी, यानी रेट हमारे लिए होगा रेट प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, एलजी का मतलब लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी या प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही आने, यानी कुल मिला के 1/बेसिक स्ट्रेंथ। या आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपको ये 1 से लेकर 9 तक पॉइंट मैंने लिखा है, कहीं कोई दिक्कत, पॉइंट कंटिन्यू चालू रहेंगे, अच्छे समझ में आ गया, ये लिख लीजिए। 9, 10 पॉइंट, तो आपने अभी तक लिविंग नेचर्स में मेरे पास पढ़ाई है कि कौन कौन से लिविंग ग्रुप अच्छे होते हैं। अगर आप लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे अच्छा यहाँ पर कौन सा होगा, I-, फिर Br-, फिर Cl- और F- बहुत ही ज़्यादा वीक लिविंग ग्रुप है, तो ये रिएक्शन ना के बराबर देगा। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप के लिए हमारे पास ये ऑर्डर है, I- भी अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, I- अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br-, Cl-, F-, तो इससे भी अच्छे लिविंग ग्रुप है, जैसे टोसाइल आयन मैंने आपको बताया था, तो वो सब अच्छे लिविंग ग्रुप है, तो उसके लिए मैंने अलग से आपको लेक्चर ले रखा है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी का, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं 11 नंबर का पॉइंट, लिविंग नेचर हमने देख लिया, स्टीरियो केमिस्ट्री हम इसमें कैसे इन्वॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं, वाला पार्ट
कैसे देखते हैं स्टीरियो में 11th नंबर पे? देखो सिंगल, आप जानते हैं कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, मैं जानता हूं कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, लेकिन रिएक्शंस को भी पता रहना चाहिए ना। तो ये देखिए, अगर आप इस तरह का कोई कार्बोकेटायन है पक्का, अब न्यूक्लियोफाइल अगर आता है जिसके पास लोन पेयर भी और हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो, तो ऊपर से भी आ सकता है, आ सकता है, और वो नीचे से भी आ सकता है। तो जब वो ऊपर से भी आ सकता है या नीचे भी से भी आ सकता है और ये कायरलिटी रखता है, तो फिर यहां पर आपको दो तरह के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। आर यहां आपके पास हो सकता है आपको दो तरह से देखने को मिले, और वो कैसे देखते हैं यहां पर देखिएगा। तो हम इसके दो कंपाउंड कैसे बनाएंगे, सी आर वन आर टू आर थ्री, या यहां हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, या फिर हमारे पास हो सकता है इसका मिरर इमेज बन जाए और वो हो जाएगा सी आर वन, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल यहां दिख रहा है, आर थ्री और आर टू। तो हमारे को यहां पर दो तरह का मिल सकता है, लेकिन ये कब है, जब यहां पर ये कायरलिटी हो। अगर कायरलिटी नहीं है तो सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ रही है बात समझ में? तो कायरलिटी का भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल है यहां पर। नेक्स्ट, यानी इस तरह में अगर हम बात करें तो रेसेमिक मिक्सचर बनेगा इफ लिविंग ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, लिविंग ग्रुप कंटेनिंग कार्बन निंग कार्बन इस कायरल, इस कायरल देन वी गेट ए रेसेमिक मिक्सचर। तो हमें एक रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा, यानी 50% आपके पास R होगा, 50% आपके पास क्या होगा, S होगा। क्लियर है? साउंड क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है? तो एक बार चेक करें। नेक्स्ट 13, अगर आपके पास रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है, तो यानी न्यूक्लियोफाइल एक तरह से देखा जाए तो अपोजिट भी जा रहा है और सेम भी जा रहा है। फिर एक बार बता रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए यहां आर वन आर टू आर थ्री, और यहां पर आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको दोनों फॉर्मेट मिल रहे हैं, यानी आर टू आर थ्री आपको न्यूक्लियोफाइल की तरफ, सॉरी यहां लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप की तरफ आपको क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी मिल रहा है, और दूसरा आपके पास क्या मिल रहा है, आर वन आर थ्री आर टू और न्यूक्लियोफाइल इधर भी मिल रहा है। यानी लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन में भी है, और अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। और अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा आप यहां देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बैक की तरफ से अटैच हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे आप, इन्वर्जन। क्या बोलोगे, इन्वर्जन। तो एक रिटेंशन हो गया और एक हमारे लिए क्या हो रहा है यहां पर, इन्वर्जन। तो दोनों ही देखने को मिल रहा है आपको यहां पर, किसके अंदर, SN1 के अंदर। नेक्स्ट 13, 14 पॉइंट्स, यहां कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, तो क्या 1-2 शिफ्टिंग देखने को मिलेगी आपको, यस। तो यहां ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन अबाउ रिएक्शंस, अबाउ रिएक्शंस इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इस कार्बोकेटायन, सो 1-2 शिफ्टिंग इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। ये आप जानते हो 1-2 शिफ्टिंग क्या होती है, 1-2 शिफ्टिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। जैसे यहां कार्बोकेटायन है, तो ये कार्बोकेटायन में 1-2 मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये मिथाइल ग्रुप इस तरफ चला जाएगा और उसके बदले में आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, तो ये 1-2 शिफ्टिंग है, ये भी 1-2 शिफ्टिंग है। यदि कार्बोकेटायन इस तरह से
अटैच किसी भी साइकिल से अटैच कार्बन पर है तो वन टू शिफ्टिंग करके आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी वन टू शिफ्टिंग। तो ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो। 15th यहाँ पर आपको एक और पॉइंट आपको देखना है कि सॉल्वेंट का क्या रोल है। तो सॉल्वेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट मैं आपके साथ यहीं पर बात करूंगा कि सॉल्वेंट हम कैसे देखते हैं इसके लिए। तो सॉल्वेंट हमारे को चाहिए ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल हो, यानी कि सॉल्वेंट वो होना चाहिए, सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए किसको, सॉल्वेंट को। तो तभी हो सकता है ये पॉसिबल जब सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर प्रोटिक, जिससे हाइड्रेशन हो सके। तो बिल्कुल सही है, यानी आसान भाषा में हमें 16 नंबर का पॉइंट भी ले सकते हैं। सॉल्वेंट जो चाहिए हमें वो हो जाएगा फिर यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है, जैसे आपके पास ROH आ सकता है, H2 आ सकता है, D2 आ सकता है, ये सारे आपके पास क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहां आपके पास इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, आप फिनोल भी ले सकते हो। तो ये सारे आपके पास क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो आप इन सबको SN1 के लिए बेस्ट मान सकते हो। तो क्या समझ में आ गया आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, लिखते जाए सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए आपको। अब आता है न्यूक्लियोफाइल, हमने कर लिया नहीं करा, तो हम न्यूक्लियोफाइल पे कैसे कमेंट करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, देखते हैं। देखिए यहां मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि इस पूरी मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनना चाहिए, और कार्बोकेटायन तभी बनेगा जब न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। आराम से आ तू, पहले क्राइम होने दे तब पुलिस आए तो अच्छा है। अगर पुलिस पहले ही पहुंच गई तो कार्बोकेटायन यानी क्राइम हो ही नहीं पाएगा। यहां मैं कार्बोकेटायन फॉर्मेशन को क्राइम बोल रहा हूं। तो न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या होगा, 17 नंबर का न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल इज वीक, शुड बी वीक, या आप बोल सकते हो शुड बी वीक और मॉडरेट और मीडियम रेंज, स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है हमारे को, बिकॉज बिकॉज वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल इज वीक न्यूक्लियोफाइल इज हेल्प बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं वही लिखना चाह रहा हूं, इज वीक न्यूक्लियोफाइल गिव्स हेल्प टू प्रोड्यूस कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो ये हमारे पास हेल्प करता है कार्बोकेटायन बनने की, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा, उससे पहले ही आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसे कौन से जो वीक या मॉडरेट टाइप के होते हैं, उसमें एक तो होता है H2O, यानी H2O यहां पर न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और सॉल्वेंट का भी, और एक हो सकता है आपके पास ROH, ये हमारे लिए वीक न्यूक्लियोफाइल है या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। आ रही है बात समझ में, तो कहीं ना कहीं ये हमारे काम कर सकते हैं, या हम इसको भी ले सकते हैं वीक में ही। तो ये कुछ 18 पॉइंट्स हैं जो आपको डिसाइड करेंगे SN1 रिएक्शन को किस तरह से देखा जा सकता है। तो फाइनली अब हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे SN1 के साथ किस तरह से पॉइंट्स है हमारे पास। एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर शेयर करना चाहूंगा, 18 के बाद 19, इफ सब्सटेंस हैविंग हैविंग सब्सटेंस हैविंग टू कायरल,
कायरल सेंटर, टू कायरल सेंटर या कार्बन, कायरल कार्बन एटम, देन यानी दो कायरल है जिसमें से वन हमारे पास, वन कायरल कौन सा है, वन कायरल सेंटर हैव लिविंग ग्रुप, एक कायरल सेंटर हमारे पास क्या रखता है, लिविंग ग्रुप। तो उस कंडीशन में जो लिविंग है वहां तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एनाइशियोमर्स या डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर मिलेगा। देन फाइनल प्रोडक्ट इज डाइस्टीरियोमर, तो आपको दो डाइस्टीरियोमर्स मिलने को, देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ 19 पॉइंट्स हो गए। अच्छा अब इसको राउंड फिगर में ही कर देते हैं हम, 20 पॉइंट्स कैसे देखते हैं, देखिए आप, अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ जो भी सॉल्यूशन है उसको डबल कर दिया, कितना कर दिया डबल, तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन बिकम हाफ, तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो किसकी कंसंट्रेशन हाफ होगी, सब्सटेंस की भी हाफ हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल की भी हाफ हो जाएगी, सब्सटेंस की भी हाफ हो जाएगी और जो न्यूक्लियोफाइल है जिसे आप रिएजेंट भी बोल रहे हो उसकी भी हाफ हो जाएगी, दोनों हाफ हो जाएगी, ये भी हाफ होगी और ये भी हाफ होगी। लेकिन फर्क क्या होगा, इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, यहां पावर क्या आती है जीरो जबकि यहां पावर क्या आती है वन, तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगी, ओवरऑल रेट क्या रहेगी जल्दी से बताओ, ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, फाइनल स्टेप क्या बनेगी आपके पास, रेट क्या होगा इस जगह, रेट क्या बन जाएगी, हाफ होगी या डबल होगी, हाफ हो जाएगी। तो फाइनल यहां पर रेट क्या हो जाएगी आपके पास, रेट बिकम हाफ ऑफ इनिशियल, ये सारे आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके काम आएंगे। तो क्लियर करें कॉन्सेप्ट्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने किसके लिए लिखे हैं, एसएन वन के लिए, क्लियर है, लिखें इसको, हमारा इंतजार कर रहा है। इस प्रोसेस के अंदर आपने क्या देखा है कि एक तरह से सॉल्वेंट के अलग से कोई जरूरत नहीं है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं सॉल्वेंट एंड रिएजेंट आर सेम थिंग, यानी उल्टा भी बोल सकते हैं, यहां पर वर्डिंग्स होगा वही कि रिएजेंट इस जगह, रिएजेंट जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल बोलते हो, कैन बी वर्क ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वर्क कर सकता है वो, और जब वो सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल ही सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है, तो हम इस जगह रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस भी बोल सकते हैं। सो रिएक्शन ऑल्सो नोन बाय, सो रिएक्शन ऑल्सो नोन बाय सॉल्वोलिसिस, तो यहां आप ऐसे लिख सकते हो कि सॉल्वेंट ऑल्सो वर्क, ऑल्सो कैन वर्क एज रिएजेंट, तो सॉल्वोलिसिस हो गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिएजेंट एंड सॉल्वेंट आर सेम थिंग, सो रिएक्शन ऑल्सो नोन बाय सॉल्वोलिसिस, क्योंकि सॉल्वेंट ही आपका क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक तरह से यहां आर एक्स है और आपने एच टू ओ ले लिया, क्या ले लिया आपने एच टू ओ, तो ये एच टू ही आपके लिए क्या है, सॉल्वेंट भी है और ये एच टू ही आपके लिए क्या है, रिएजेंट भी है,
और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आर ओ एच प्लस एच एक्स। समझ में आ रहा है? तो ये सॉल्वेंट ही आपके लिए कि इसका काम कर रहा है यहां पर रिएजेंट का, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वोलिसिस भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपके पास सॉल्वोलिसिस लिखा हो तो आपका दिमाग किस में जाएगा, SN1 में, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे लिए सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो सॉल्वेंट हमारे पास कौन से हो सकते हैं जिसको आप बोल सकते हो सॉल्वेंट को ही आप क्या बोलोगे यहां पर रिएजेंट। तो जनरली ये रिएजेंट आप आपके पास होंगे H2O, जैसा आप पहले भी लिख सकते हो, लिख चुके हो ROH, RSH, और आप एक और लिख सकते हो यहां पर RCOOH। ये सारे आपके पास सॉल्वेंट भी है और रिएजेंट भी है। अच्छा, नेक्स्ट 23, रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि सॉल्वेंट कितना ज्यादा पॉलर है। हाँ बेटा, क्या बेटा, नीचे 23 होगा, तो देख लो बेटा 23 है वो, 22 प्लस 1, ठीक है, तो ये 24। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो एक टेबल हमारे पास बन रही है जो ये बताएगी कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो मैं आपके साथ हूं, सॉल्वेंट, ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये हमारे पास पूरी हो रही है रिएक्टिव रिलेटिव रेट, एक ऑर्डर में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं H2O, फिर ले रहा हूं H2O, फिर ले रहा हूं मैं आपके पास CH3OH, फिर मैं ले रहा हूं आपके पास एक एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर मैं ले रहा हूं यहां पर आपके पास एसिड CH3C डबल O H। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 33 80 33, ये हमारे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, और 24 21, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही आप डबल करेंगे, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सब्सटेंस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 0 है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ इनिशियल हो जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया 20 नंबर का। रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल कैन बी वर्क ऑफ सॉल्वेंट, या आप बोल सकते हो सॉल्वेंट कैन बी वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, सो रिएक्शन ऑल्सो नोन बाय सॉल्वोलिसिस। नेक्स्ट, यानी हम यहां पर बोल सकते हैं RX है और ये सॉल्वेंट है, H2 ही सॉल्वेंट है, H2 ही हमारे लिए क्या है रिएजेंट, और हमारे पास H2 है, यहां पर OH देगा और HX बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं कि सॉल्वोलिसिस हो रहा है। तो जब भी वर्ड आ रहा है सॉल्वोलिसिस, आपको किसकी याद आएगी, SN1 की। नेक्स्ट, सॉल्वेंट ही रिएजेंट है आपके पास, और ऐसे कौन से रिएजेंट है जो काम आ रहे हैं हमारे H2O, ROH, RSH, COOH। तो इसमें हम एक रिलेटिव टेबल बना रहे हैं, सॉल्वेंट ले लिए हमने अलग अलग और उनके डायलैक्टिक कांस्टेंट ले लिए। तो ये डायलैक्टिक कांस्टेंट जितने ज्यादा है रिलेटिव रेट उतनी ही SN1 की क्या होगी, ज्यादा होगी। कुल मिला के इनमें सबसे ज्यादा तेज कौन सी देगा सॉल्वोलिसिस की रेट, H2O, फिर मिथेनॉल, फिर एथेनॉल, और एथेनॉल के बाद ये, फिर ये बहुत ही कम, ना के बराबर। तो ये तो रहा पूरा SN1 का चार्ट। अब हम बात करते हैं SN1 के कुछ एग्जांपल्स एक साथ करेंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि पहले एक बार और SN2 भी देख ले। तो आपको ये सारे पॉइंट से आइडिया तो लग गया कब आपको SN1 देखना है और कब आपको SN2 देखना होगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा SN2।